खोल दे कलाली मारी बोतल को दारूड़ा पियाला में तो थार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से एकदम जोश जुनून के साथ अपने अंदर एकदम आग के साथ एकदम गति प्रदान कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पर्यायवाची, पर्यायवाची का पार्ट नंबर 3। जिस भी दोस्त या बहन या भाई ने जो वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले, वो वीडियो अपने प्लेलिस्ट पर जाकर देख ले, ठीक है दोस्तों, नोदे वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आज की क्लास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है BST CPTT CET जैसे एग्जाम। आज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 10 तो इस साइड में लिखे मैंने, 5 इस साइड में, टोटल 15 पर्यायवाची शब्द लिख रहा हूँ और वो भी चुटकियों में याद करने हैं दोस्तों। उसके पहले जो आपके सामने मैं एक मोटिवेशन लाइन लेकर आया हूँ उसको ले। हालातों के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, हालातों के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, हर टूटा कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। हालातों के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, टूटा कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरता है शौक से दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। कहने का मतलब आप वो समंदर है, आप वो इतने बड़े आदमी, अपने आप को इस वैल्यू के काबिल बनाना है कि दोस्तों किसी दरिया में यानी किसी भी भाई साहब किसी भी आदमी के नीचे अंडर में काम ना करना पड़े। भाई साहब आप अपना ही बिजनेस चलाए, ठीक है, अपने ही एक अलग ही वैल्यू बनाए अपने समाज में, अपनी जाति में, अपनी गोत में, अपने समाज में, ठीक है। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी को कहते हैं दोस्तों भू, भूमि, धरा, वसुधा और वसुंधरा। भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, नॉर्मल भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा। पृथ्वी के यानी धरती के पर्यायवाची हैं पुत्र, पुत्र का नाम पता ही भाई साहब क्या नाम है, सूद, तन्ने, आत्मज और पूत। अरे दोस्तों आपने नहीं सुना क्या, अपने मम्मी पापा आपने को क्या कहते हैं, मेरा सपूत बेटा है, मेरी सपूत बेटी है। अरे पूत, सपूत, पूत, कपूत, कपूत बेटा बेटी तो नहीं है ना, आप सपूती हैं हम सब। आगे देखे पुत्री, पुत्र और पुत्री के समानार्थी शब्द, भाई साहब बिल्कुल डिप्टो के डिप्टो आ लगते हैं। सूत का सूता, तन्य का तन्या, आत्मज का आत्मजा, पूत का तनुजा हो जाएगा बस, ठीक है। आगे बढ़े बिजली, बिजली को कहते हैं चपला, दामिनी, सोदामिनी और विद्युत। क्या कहते हैं, चपला, दामिनी, सोदामिनी, विद्युत। अरे अपने को लाइट कितना परेशान करती है रे, हाँ पूरे दिन लाइट से अपन परेशान रहते हैं, नहीं रहते हैं, रहते हैं सर वही है। पत्थर, पत्थर, अरे अपनी भाषा में, आम भाषा में हम नहीं कहते क्या, भाटा की देर माधव बोल दूंगो, हाँ माधव बोल दूंगो, भाटा की देर वही भाटा है, भाटा को क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, पागलो। पाषाण, पाहन, शिला, प्रस्तर, क्या क्या नाम है, पाषाण, पाहन, शिला, प्रस्तर, ठीक है। आगे बढ़े ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा जी का नाम नहीं सुना क्या, ब्रह्मा जी वही है, चतुरानंद, चतुर्भुज, पितामह, विधाता, विधाता यानी विधि, जो सर आप जो इस दुनिया को चलाने वाले कौन है, विधाता है ब्रह्मा जी है। चतुरानंद, अरे दशानन यानी किस, दशानन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, कमेंट में नाम बताकर जा रहे दशानन का प्रयोग। चतुरानन होता है चार, आनन यानी चार सिर है जिसके, चतुर्मुख जिसके चार मुख हैं, पितामह, अरे जैसे रामायण है उसमें अपन कभी भी ब्रह्मा जी का रोल आता है ना, कभी भी जहाँ पर बारिश बोलो ये बारिश करनी होती है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, पितामह है, पिताश्री ऐसे बोलते हैं ना ब्रह्मा जी को, वही है। बंदर, आप तो नहीं हो ना बंदर, वो गाना नहीं आता क्या, गाना भी फेमस है बंदर के ऊपर, तो कौन सा सर, वही गाना था, जेठ जी का छोड़ी जेठानी का छोरो, आपने लिया बुरो बांध, बुरा बांध रहा था बलमा, वही है। बंदर,
बंदर है कपी, वानर, शाखा मृग। कपी और वानर में आप समझ गए होंगे। मृग सर, मृग यानी तो हिरण होता है, हिरण का यहाँ क्या प्रयोग। और शाखाएं होता है जो पेड़ की, अरे इस पेड़ की शाखाएं नहीं होती, इसलिए पेड़ है, इसके शाखाएं मेन में घोड़ है, यानी का मतलब इस साथ से साथ, इस साथ से साथ में कूदता है। कौन कूदता है? बंदर। यानी शाखाओं का मृग कौन है? बंदर। बादल, बादल देखते हैं दोस्तों। बादल के जलद, पयोद, मेघ, अम्बुद, पयोदर। जलद, मेघ, अम्बुद और पयोदर, ये इसके पर्यायवाची है, बादल ये हैं। आगे देखते हैं मछली। शाकाहारी है ना सभी? मांसाहारी तो कोई नहीं बैठा ना अपनी क्लास में, है बैठा है तो कमेंट में नाम लिख कर जाए अपना। मछली, मत्स्य, मीन, सफरी। सर आप कहेंगे कि सर मत्स्य भी, चलो मीन का ठीक है, मीन यानी भी मछली ठीक है। सर सफरी क्या होता है? अरे मछली के अंदर कांटे नहीं होते क्या? कांटे होते हैं ना उसके, लंबे लंबे थीके थीके कांटे, इसी कारण उसको क्या कहते हैं? सफरी। क्या कहते हैं? सफरी। विष्णु, विष्णु भगवान नंबर 10 में आ चुके हैं दोस्तों। विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची हरि, माधव, नारायण, केशव, भाई साहब। आप कहेंगे सर हरि यानी भी कृष्ण भगवान, चलो ठीक है विष्णु भगवान, माधव यानी विष्णु भगवान, केशव यानी विष्णु भगवान, नारायण यानी विष्णु। अरे वो नहीं आता बचपन, नारायण नारायण हरि हरि कहते हैं ना, नहीं करते क्या? और वो नहीं आता कि नारद मुनि पूरे दिन नारायण नारायण आते नहीं आते हैं। तो नारायण किसके लिए आया है? विष्णु भगवान के लिए है। आगे बढ़े तो अब आगे हैं अपन 11 नंबर पे। 11 नंबर पे हैं दोस्तों बर्मर। क्या है बर्मर? बर्मर रहना था दोस्तों भोला, सॉरी भोरा, अली, भौरा और मधुकर। अब आप कहेंगे सर भोरा यानी भी बर्मर, अली यानी बर्मर, भौरा यानी भी बर्मर, सर ये मधुकर का क्या लग रहा है? अरे भौरा क्या करता है? इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल, यानी फूलों को चेंज नहीं करता क्या? और फूलों के अंदर क्या भरा रहता है? मधु। मधु यानी होता है दोस्तों शहद। अरे शहद नहीं रहता क्या फूलों में? तभी तो मधुमक्खियां लगी रहती हैं उसमें। अरे पागलो। आगे बढ़े महेश। अरे महाकाल के दीवाने कौन कौन है? हैं कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर जाए अपना, और कमेंट में नाम लिखना जय महाकाल, ठीक है। महेश, शिव, शंकर, भोलेनाथ और त्रिनेत्र, यानी जिनके तीन आंखें हैं वो भोलेनाथ है, भोलेनाथ, शंकर, शिव, बाकी आप सब जानते हैं। आगे बढ़े मोर। मोर के पर्यायवाची हैं दोस्तों मयूर, केकी, नीलकंठ। मयूर इन मोर के केनी भी मोर होता है नीलकंठ, जिसका कंठ कैसा हो? नीला हो। क्या हो? नीला कंठ किसका है? मोर का। किसका है दोस्तों? मोर का है। मोर हो गया। मदिरा, मदिरा का देखो शराब, दारू, मद। अरे आपने गाना नहीं सुना क्या? ढक्कन खोल दे कल्लाली मारी बोतल को, दारू ना पीला में तो थार घर को। गाना नहीं आता क्या? दारू आता नहीं आता? मदिरा यानी शराब, दारू, मद। क्या होता है? दारू, शराब, मद। राजा, राजा का है दोस्तों नरक, महिप, नरेश, भूप और भूपति। भूपति यानी होता है दोस्तों भूमि का पति, यानी जिस राज्य के ऊपर राजा शासन कर रहा है ना उसका पति। दया कुछ तो गड़बड़ है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में इशू आ गया था। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना है सभी दोस्तों को, सभी बहनों और सभी भाइयों को। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।